मैं अभी जो आपके सामने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स जो है उसको डिफाइन करूंगा, और जो लास्ट एग्जांपल हमने डिस्कस की थी उसी को यूज़ करके मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो आखिरी एग्जांपल थी हमारी थी डिफरेंशियल इक्वेशन वाज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 और वी गेट द सॉल्यूशन वाज 3x प्लस सी। सी जो है था ये पर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट था, तो जब आर्बिट्री कांस्टेंट कहीं होता है तो वो उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज करने के लिए हमने कंडीशन दी थी x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इस कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन हमने जब सब्सिट्यूट किया था तो y 0 था, x भी 0 था, तो c की वैल्यू थी वो 0 आ गई थी। तो हमने कहा था y इज इक्वल टू 3x, हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो ये हमने लास्ट टाइम जो है वो किया था। अब दो क्वेश्चंस हैं, एक तो यह कि मैं जनरल फॉर्म लिखूंगा कि जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारी जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जैसे पहले ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दिस एनी फंक्शन रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई। और जो हमारी कंडीशन होगी वो होगी वाई एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वाई 0। तो ये जो है ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम कहेंगे इनिशियल कंडीशन। तो जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस इनिशियल कंडीशन, तो इसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये आप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इसको आप जेहन नशीन कर लें, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो मैं फर्दर आगे जाने से पहले, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन है जिसमें एग्जाम्पल जो थी हमारे पास, एक और एग्जांपल लेते हैं वाई इक्वल टू सी वन ई टू पावर 2x प्लस सी टू ई टू पावर माइनस 3x। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आएगी, उसकी वजह क्या है कि हमारे पास दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं। जब एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, दो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, थ्री आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसको हम देख सकते हैं ऐसे, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 2c1 ई टू पावर 2x माइनस 3c2 ई टू पावर माइनस 3x। सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4c1 ई टू पावर 2x प्लस 9c2 ई टू पावर माइनस 3x। हम इसको सब्सिट्यूट करते हैं इसके अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम यहाँ से लिखता हूँ मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। वी हैविंग हियर 4c1 ई टू पावर 2x प्लस 9c2 ई टू पावर माइनस 3x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास है 2c1 ई टू पावर 2x माइनस 3c2 ई टू पावर माइनस 3x माइनस 6y, 6y मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 6c1 ई टू पावर 2x माइनस 6c2 ई टू पावर माइनस 3x। अब इसको आप ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4c1 प्लस 2c1 इज 6c1, 6c1 ई टू पावर 2x माइनस 6c1 ई टू पावर 2x, ये टर्म हमारे पास आ गई। तो दूसरा ये 9 प्लस 9c2 ई टू पावर 2x माइनस 3x, और ये हमारे पास आ गया 3 माइनस 6 माइनस 9c2 ई टू पावर माइनस 3x। तो जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इस मीन दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जो बाद में कहना चाह रहा हूँ ये है कि जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। यहाँ हमने जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके साथ हमने जो कांस्टेंट फाइंड किए थे, तो हमने कहा था कि हम एक कांस्टेंट से एक वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है तो आपको ये इल्म होगा कि अगर आपने अननोन्स जानने हो तो जितने अननोन्स हो उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, तब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ रही है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है डी टू वाई, जनरल फॉर्म लिखता हूँ मैं, बाई डी एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिवाइड एनी फंक्शन रिलेशनशिप। तो
तो ये सेकेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसमें हमारे पास कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, दो कांस्टेंट आ रहे हैं, तो हमारे पास कंडीशंस क्या आएंगी, हमारे पास कंडीशन ये आएगी y एट x इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू y जीरो, y डैश एट x इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू y वन। ये वन सेट ऑफ सॉल्यूशन है, पॉसिबिलिटी है। दूसरी जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हमारे पास जो कंडीशन आए वो कंडीशन हमारे पास आएगी y एट x इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू y जीरो एंड y एट x इक्वल टू वन इज इक्वल टू y टू। ये सेकंड कंडीशन आएगी, तो ये प्रॉब्लम जो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेम पॉइंट पे डिफाइन है, दोनों कंडीशन x जीरो पे डिफाइन है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ये दोनों कंडीशन दो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफाइन है, तो हम इस इनकी इस सूरत हाल से इसको प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं। अगर दोनों कंडीशन सेम पॉइंट पे डिफाइन है तो हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो मेरी जनरल फॉर्म इक्वेशन जो आई तो यह आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ एक्स एनी फंक्शन रिलेशन ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो जो कंडीशन है ये तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो मेरी कंडीशन है आई से माई इनिशियल कंडीशन, जब सेम पॉइंट में होंगी तो हम उसको कहेंगे इनिशियल कंडीशन, और जो प्रॉब्लम होगा उसको हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस इनिशियल कंडीशन इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये सेट नंबर टू आया हमारे पास। अब सेट थ्री पे जाते हैं, तो ये हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इसकी रीज़न ये है कि ये कंडीशंस अगर मोर देन वन पॉइंट पे होंगी, जैसे ये कंडीशंस हैं, तो इन कंडीशंस को हम कहेंगे बाउंड्री कंडीशंस। इन कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो अब मेरे पास प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन वही है, जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो हैं वाई एट पॉइंट एक्स जीरो इज इक्वल टू वाई ज़ीरो एंड वाई एट पॉइंट एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन। और ये कंडीशंस क्या हैं, ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो प्लस इसमें हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हो टू फाइंड आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, तो इसको हम कहेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो जो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है इसको जब हम लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एज बी वी इनिशियल वाली प्रॉब्लम लिखेंगे आई वी पी इनिशियल वाली प्रॉब्लम, और बाउंड्री वाली प्रॉब्लम को हम लिखेंगे बी वी एन पी। तो अक्सर जो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल होगी, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये ऑलवेज जो है वो इनिशियल वाली प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसमें एक ही डेरिवेटिव है और हमारे पास एक ही जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक ही पॉइंट पे ये डिफाइन होगा। तो ये ऑलवेज जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इनिशियल वाली प्रॉब्लम होगी। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये इनिशियल वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दे कैन बी फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दे कैन बी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये डिपेंड करेगा कि अगर कंडीशंस एक पॉइंट पे डिफाइन है तो ये कंडीशन जो है वो इनिशियल कंडीशंस हैं, जैसे ये हमारी थी, ये हमारी इनिशियल कंडीशंस हैं और ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं। अगर ये सेम पॉइंट पे डिफाइन है, जैसे ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये डिफाइन है x जीरो पे, तो ये हमारी जो थी सेम पॉइंट था, तो ये कंडीशन जो थी इनिशियल कंडीशन थी। ये दो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफाइन है, ये जो कंडीशन थी हमारी बाउंड्री कंडीशन थी। तो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे आगे, इंशाल्लाह अगली इसमें और एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो आप जो है वो हमारी अगर जो इंशाल्लाह हम रेगुलर आपको जो है वो वीडियोस सप्लाई कर रहे हैं इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो आप जो है वो इसका बेल आइकन पर जो है उसको ज़रूर करें, प्रेस करें, ताकि ये वीडियोज़ आपको मिलती रहें। दोबारा जैसे मैंने पहले कहा था, कमेंट्स हों तो कमेंट्स में आप ज़रूर डालें इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी, ताकि मैं उसको रिस्पॉन्स करूँ।